पल पल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, पल पल न्यूज के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं खुशबू अख्तर। 2019 का जो ये वक्त है उसमें इलेक्शन का पहले चरण का चुनाव हो चुका है और जिन बारीकियों को हम ये देख रहे हैं उसमें साफ तौर पर एक चीज़ जो निकल के आ रही है वो ये है कि मुस्लिम वोट हर किसी को चाहिए, लेकिन मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं हो रहा और ख़ासकर उनको डराया अलग से जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन सर, जिनसे हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि ये जो माहौल तैयार किया जा रहा है उसके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। तो सर, सबसे पहले पल पल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मुस्लिमों का वोट सबको चाहिए, लेकिन उनके लिए कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। और उसी के साथ साथ अगर मुस्लिम क़यादत और की बात की जाती है, लीडरशिप की बात की जाती है, वो तो लगातार जो उसका परसेंटेज है वो घटता जा रहा है, तो इनको आप कैसे देखते हैं? ये हकीकत तो है, प्रेस में चीज़ें आ रही हैं इस बारे में काफ़ी कुछ, कि मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो घटता जा रहा है। और ये सिलसिला 1980 से शुरू हुआ है। 1980 ही वो पीरियड है जब बीजेपी का उभार शुरू हुआ है, उसकी सीटें पार्लियामेंट और असेंबली में बढ़ना शुरू हुई हैं, और उसके साथ साथ मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है दिन ब दिन घटता जा रहा है। बीजेपी एक जिस तरह की पार्टी है, जिस नाम पर वो सियासत करती है, सबको पता है, तो इसका सीधा सीधा नुकसान मुसलमानों को हो रहा है। और बीजेपी ने हालात वहाँ पहुँचा दिए हैं कि अब जो दूसरी पार्टियाँ हैं वो भी मुसलमानों को इलेक्शन में खड़ा नहीं कर रही। जीतना तो का सवाल तो बाद में आएगा। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, शायद एक तृणमूल कांग्रेस ऐसी पार्टी अकेली है जो कि ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स को खड़ा करती है और उन कंस्टिट्यूएंसी से भी खड़ा करती है जहाँ के मुसलमान ज़्यादा वोट नहीं है। लेकिन बाकी जितनी पार्टियाँ हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ हैं, वो भी मुसलमानों को टिकट नहीं दे रही हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि जब इलेक्शन में खड़ा ही नहीं करेंगी तो फिर जीत कर कहाँ से आएंगे? 14% आबादी है और पार्लियामेंट में 4% हमारा रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये कैसा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है? आप देखिए कि मुसलमान इस मुल्क के को रूलर्स हैं। इस मुल्क में जो भी पार्टी रूल कर रही है उसमें मुसलमानों का भी बराबर का हक है। हम पार्लियामेंट में हमारे लोग हैं, असेंबली में हैं, जुडिशरी में हैं, एग्जीक्यूटिव में, हर जगह पर हैं। तो हम को रूलर्स तो हैं, लेकिन वो ऐसे को रूलर्स हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन घटता जा रहा है। नौकरियों में हमारा रिप्रेजेंटेशन पहले ही कम था, बिजनेस में हमारा रिप्रेजेंटेशन कम था, कम पहले नहीं था, कम ये आज़ाद हिंदुस्तान में हमारा रिप्रेजेंटेशन कम होता जा रहा है। हम बतदरीज नीचे की तरफ जा रहे हैं, दूसरी कम्युनिटी ऊपर जा रही हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान में जो डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट का फ़ायदा मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं हो रहा है। और इलेक्शन के वक्त में इस महरूमी और नामुरादी का एहसास मुसलमानों में बढ़ जाता है, जो कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। और ये हमारे पॉलिटिशियंस के सोचने का है। हमारे जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, बहुत ही गंदे अंदाज में पॉलिटिक्स हो रही है, तो उसका सीधा सीधा नुकसान मुसलमानों को हो रहा है। ये सोचने की बात है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की। अभी इलेक्शन के दौरान तो अब तो जो होना था हो चुका, दे चुके, इलेक्शन के बाद इस पर सर जोड़कर बैठना चाहिए मुस्लिम लीडरशिप को भी और जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं। बीजेपी से तो हमको कोई उम्मीद नहीं है, वो तो नफरत की सियासत करती है। मैं उसको देखता हूँ पार्टी ऑफ मुस्लिम हेटर्स। बीजेपी की जो अगर आपको एक लफ्ज़ में बयान करें तो बीजेपी इज़ ए पार्टी ऑफ मुस्लिम हेटर्स। तो उससे तो हम कोई उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन जो पार्टियाँ सेकुलरिज्म की बात करती हैं, इक्वलिटी की बात करती हैं, उनसे हम उम्मीद करेंगे कि इस बारे में सोचें वो। शाहीन सर, इसी के साथ दो सवाल खड़े होते हैं मेरे जहन में। पहला ये कि गठबंधन के दो सवाल जो मेरे ये हैं कि पहला सवाल ये कि गठबंधन के नाम पर बहुत सारे जो काबिल मुस्लिम कैंडिडेट्स थे उनकी छटैया हो गई,
उसी के साथ दूसरा सवाल इसके साथ ये जुड़ा हुआ है कि जिन जिन जो भी मतलब गिने चुने मुस्लिमों को वोट दिए गए उसके खिलाफ मुस्लिम कैंडिडेट को ही खड़ा किया है और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को जाता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। तो ये जो सिचुएशन है टिकट्स देने की, टिकट्स काटने की, और फिर ये बीजेपी का पूरा पोलराइजेशन, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मुल्क में अभी मैं इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी वो, कि 15 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहाँ से जहाँ के मुसलमान 50% से ज़्यादा हैं और 14 मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहाँ मुसलमान मुस्लिम वोट 40-50% का है। कम अज़ कम उन जगहों से तो मुसलमान जीत करके आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता, उन सब जगहों से नहीं आ पाते हैं सिवाय कश्मीर को छोड़ करके, वहाँ के जो हालात हैं, जिस तरह से इलेक्शन होता है, लेकिन उसके अलावा बाकी जगहों से भी मुसलमान उतना ज़्यादा नहीं चुन के आ पाते। अभी राहुल गांधी वायनाड से खड़े हो रहे हैं, वहाँ पर वो मुस्लिम 40-50% के बीच का उनका मुसलमानों का वोट है वहाँ पर। मोदी जी जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन आप इसको ये देखिए कि एक मुसलमान जो जीत कर वहाँ से आ सकता था, इससे पहले मुसलमान वहाँ से 2 टर्म लगातार जीता है, वो एक सीट तो वो खा गए राहुल गांधी अपने इस इलेक्शन के चक्कर, पॉलिटिक्स के चक्कर में, तो मुसलमान तो उसके बदले मुसलमानों को किसी और जगह से खड़ा करें। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि मुसलमान कांग्रेस पार्टी ने भी कम से कम मुसलमान खड़े किए हैं इस बार भी, और इसके अलावा यहाँ से खड़ा किया भी जा रहा है वहाँ उनके जीतने के चांसेस कितने हैं, इसलिए कि उनका वोट भी कट रहा है। बीजेपी एक दूसरी कंस्टिट्यूएंसी जो इस वक्त बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है वो बिहार में बेगूसराय है। कन्हैया कुमार स्टूडेंट लीडर हैं और एक तरह से उन्होंने ओपोजिशन का रोल अदा किया इस पूरे 5 साल में। हमारे जो ओपोजिशन लीडर्स हैं वो तो खामोश रह बैठे रहे, तो सही मानों में जो ओपोजिशन लीडर हमारा अगर बन के उभरा है कोई, तो कन्हैया कुमार उभर बन के उभरे हैं और हम सब उनको बहुत पसंद करते हैं और उनकी तरफ दिलचस्पी से देख रहे हैं। लेकिन उनको इलेक्शन जीतने के लिए बेगूसराय ही मिली जगह। बेगूसराय में पिछले इलेक्शन में जो मुस्लिम कैंडिडेट आरजेडी का वहाँ खड़ा हुआ था वो थोड़े से वोटों से हारा था, वो इस बार वोट मिला था। इस बार अगर ये गठबंधन का जो इलेक्शन हो रहा है, मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो उसके जीतने के चांसेस थे। एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी थी जहाँ से मुसलमान जीत सकता था, वहाँ से कन्हैया कुमार खड़े हो गए। जाहिर है वो मुसलमानों के लिए एक मसला हो गया किस तरफ जाएं, बस कन्हैया कुमार भी को भी पसंद कर रहे हैं वो, और वहाँ बीजेपी ने शायद इसीलिए गिरिराज सिंह को भेजा, नवादा से वहाँ भेजा इसलिए कि मुसलमानों का वोट बटेगा और वो वहाँ जीत जाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी की तो हर तरह से जीत है। गिरिराज जीत गए तो बीजेपी की विक्ट्री है वो, लेकिन अगर वो हार गए और कन्हैया कुमार जीत गए तब भी बीजेपी की विक्ट्री है कि एक मुस्लिम वोट और काटा उन्होंने, एक मुस्लिम सीट पार्लियामेंट की काट दी उन्होंने। तो ये हरकतें हमारी सेकुलर पार्टीज भी कर रही हैं। CPI को पूरे हिंदुस्तान में कोई और सीट नहीं मिली, वो बेगूसराय ही गई। तो चाहे CPI हो कि RJD हो कि समाजवादी हो, सारी पार्टियाँ ये हरकतें कर रही हैं। जब मुसलमानों को टिकट देने का मामला आता है, उनको जहाँ उनके जीतने के चांसेस होते हैं, वो ऐसी इस तरह की हरकतें कर देते हैं। शायद सर, इसी के साथ अगर जब कन्हैया कुमार की बात हो ही रही है, तो कन्हैया कुमार को पूरी तरह से मीडिया ने बनाया है और मीडिया ही उनके चुनाव का पूरी तरह से कैंपेन कर रही है और जो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखानी चाहिए, जिन जिन कैंडिडेट्स की बात करनी चाहिए। सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं तनवीर हसन के, उन्होंने कई भाषण दिए, कई लोगों से बात की, अपने पक्ष को रखा, लेकिन आज तक वो वीडियो, वो लेख हमारे सामने नहीं आया। लेकिन कन्हैया कुमार खास भी देते हैं तो भी वो एक लंबी स्टोरी बन जाती है। तो मीडिया की जो भूमिका रही है ये लीडर बनाने के लिए, कन्हैया कुमार को लीडर बनाने के लिए, आप उसे कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे इसमें कोई ऐसी शिकायत नहीं है, मीडिया का तो काम है। कन्हैया कुमार एक सेलिब्रिटी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मीडिया उनको फेवर कर रहा है। हाँ, जब तनवीर हसन को सामने रखे हम तो उनको भी वैसा अभी ख़ास तौर पर
एक दो पिछले दो चार दिनों में जो चीज़ें देखने में आई हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि तनवीर हसन को मीडिया की तरफ से, शायद उस मीडिया की तरफ से जिसके जिससे को हम दिलचस्पी से देखते हैं, जिसकी तरफ हम उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं, जिसके बारे में हमारी राय अच्छी है, उसने भी तनवीर हसन को पर फोकस नहीं किया और सिर्फ कन्हैया कुमार पर ही फोकस करके चला आया। तो हम कहेंगे बहरहाल इंसानी होते हैं लोग, कन्हैया कुमार एक सेलिब्रिटी हैं और हम हमारी चाहते थे, हम चाहेंगे कि वो जीतें, लेकिन ये कि वो जिस कॉस्ट पर जीत करके आएंगे वो हमारे लिए तकलीफ देह बात हो गई है। चूँकि पार्लियामेंट में हमारा रिप्रेजेंटेशन वैसे ही कम है, जो एक आदमी जीत सकता था उसके भी चांसेस को आप ख़त्म करवा रहे हैं, और सिर्फ ख़त्म नहीं करवा रहे हैं बल्कि बीजेपी के जीतने के चांसेस को बढ़ा रहे हैं वहाँ से। शाहिन सर, इसी के साथ एक और सवाल जो लगातार उठता आ रहा है, मुस्लिम जो यूथ है, जो वो चाहे जॉब्स में हो चाहे शिक्षा में हो, और उसके बाद जो अलग अलग तरह के टैग्स हैं, अगर मदरसे से पढ़ा है तो आतंकवादी है, अगर वो आगे पढ़ के कुछ करना चाहता है तो उसकी बेसिक क्लियर नहीं है, उसके बाद मुस्लिम पिछड़ा हुआ है, तमाम तरह के इस तरह के टैग्स हैं, लेकिन वो एक एक बेसिक होता है कि अगर उसको पढ़ना है तो एक बेसिक सहूलियत चाहिए, पैसे चाहिए, तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन सरकार दावे तो बहुत कर रही है तमाम चीज़ों के लिए कि पेपर्स में सब कुछ है लेकिन ज़मीन पर नहीं है, तो ऐसा क्या किया जा सकता है या ऐसी कौन सी ऐसी शुरुआत की जा सकती है जिससे एटलीस्ट वो बेसिक, क्योंकि अभी अभी जब UPSC का रिज़ल्ट आया है तो शाहिद रज़ा खान मदरसे से पढ़े हुए थे और आज वो UPSC में IAS बनने के उन्होंने क्वालिफिकेशन किया है, तो ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे कि एटलीस्ट कि सब तो नहीं आगे आ सकते लेकिन जो आ सकते हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, आपने बहुत सारे सवाल को जोड़ दिया है। पहली बात जो आप कह रही थी कि मुसलमानों का पिछड़ापन, तो इसकी सीधे सीधे जिम्मेदारी तो हुकूमत पर आती है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब BJP की सरकार है। BJP जिस तरह की पार्टी है उससे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मुसलमानों को डिमोरलाइज करने का कोई मौका BJP के लीडर्स नहीं छोड़ते हैं। तो लेकिन इससे इसकी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पर जाती है, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। तो जो पिछड़ापन है, मुसलमानों का जो बैकवर्डनेस है, हम कह रहे हैं कि तालीम में नहीं है, एजुकेशन में नहीं है, इसलिए नहीं है कि उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, मदरसों की बात कही तो मदरसे के ऊपर जिस तरह का टैग लगाने की कोशिश हुई है कांग्रेस सरकार में हुआ है, BJP ने किया है, क्या सिलसिला शुरू हुआ था वो जब वाजपेयी की सरकार आई थी उस ज़माने से ख़ास तौर पर। लेकिन आप अगर गौर करें तो मदरसा जो है हमारे लिए, हमको इस पर फख्र करना चाहिए, मदरसा एक कम्युनिटी चलाती है, सरकार से कोई डोनेशन कोई ग्रांट नहीं लेती है, और एक कम्युनिटी ने अपने बल पर बेसिक एजुकेशन का इंतज़ाम किया, वो काम जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कम्युनिटी कर रही है। तो दुनिया की कोई भी सरकार होती तो वो उसको सपोर्ट करती, यहाँ सपोर्ट करने की बजाय उसको हर तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि मदरसों का सिलेबस बहुत पुराना है वगैरह, भाई ठीक है, नहीं से तो बेहतर है। वो बच्चे जो अगर वो मदरसा भी नहीं जाए, कौन लग जाता मदरसा? मदरसे के बारे में ये बात फैलाई गई कि यहाँ टेररिस्ट पैदा होते हैं। आज तक किसी एक मदरसे का कोई तालिब इल्म, जितने बड़े टेररिस्ट निकले हैं, कोई उनमें से कोई भी मदरसे का नहीं है। एक तो मुसलमानों में टेररिस्ट नहीं है, जितनी भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं उनमें 99% गिरफ्तारियाँ सिर्फ और सिर्फ शुबे की बुनियाद पर हुई हैं। 10 साल, 12 साल, 15 साल जेल गुजारने के बाद फिर लोग रिहा हो गए। तो मदरसा तो हमारा एक अच्छा काम हो रहा है, अगर मदरसों को भी आप बंद कर दीजिएगा तो वो सही मानों में वहाँ समाज में आपके एक क्योस फैल जाएगा, फिर क्या करेंगे वो लोग, जाके चोरी चमारी करेंगे? कम से कम कुछ तो पढ़ के निकल रहे हैं। तो मदरसा तो हमारे लिए एक फख्र करने की बात है कि एक कम्युनिटी ने गवर्नमेंट की मदद के बगैर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन डेवलप किया है। अब इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, आप उसको इम्प्रूव कीजिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू भी किए हैं, ब्रिज कोर्स वगैरह अलीगढ़ में चल रहा है प्रोग्राम, और अभी आपने शाहिद रज़ा खान का जिक्र किया,
टैलेंटेड लोग हर जगह पर हैं, वो मदरसा में हो के पाठशाला जा रहे हो, हर जगह अच्छे लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, तो अगर उनको मौका मिले तो वो उनके जौहर खुलेंगे। तो उनको मौका दिया जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक बल्कि हम समझते हैं कि शाहिद रज़ा खान इन मदरसों के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर का काम कर सकते हैं, और मदरसों में जिस रिफॉर्म की बात हम कर रहे हैं वो काम इनके ज़रिए से लिया जा सकता है। लेकिन सबसे पहला काम जो करने का है वो ये है कि जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ये CID और IB में बैठे हुए जो लोग हैं, इनको जाकर समझाने की ज़रूरत है कि मदरसा जो है वहाँ किस तरह की तालीम होती है, किस तरह के लोग जा रहे हैं। समाज का जो बिल्कुल जो बिलो पावर्टी लाइन के जो लोग हैं, जिनके पास दो वक्त की रोटी नहीं है, उनको पढ़ने की तरफ लगाया जा रहा है। उन बेचारों को क्या समझ में आता है टेररिज्म और क्या क्राइम, उनके लिए तो दो वक्त की रोटी मसला है। तो जब वहाँ से जब पढ़ के निकलते हैं तो वो जाके क्या करते हैं, किसी मस्जिद में पेश इमाम हो जाते हैं, मुअज्जिन हो जाते हैं, किसी मदरसे में पढ़ाने लगते हैं या कुरान पढ़ाते हैं, जो जो थोड़ा सा ट्यूशन का पैसा मिलता है उनको। मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए तो हम मतलब ये कि जितना मांगता है टीचर वो दे देते हैं। कुरान टीचर को बेचारे को 100 रुपया देते हुए हम सोचते हैं हमारे लोग। तो ये सब बहुत सारे लेवल्स पर हमको काम करने की ज़रूरत है। तो मदरसों की जहाँ तक बात है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और उसके पीछे पढ़ने की बजाय उसके खिलाफ मतलब मुहिम चलाने की बजाय उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। शाहिन सर, इसी के साथ साथ एक जो 2019 में जो लगातार जो नेता लोग हैं वो हेट स्पीच दे रहे हैं, आपने मेनका गांधी कहती हैं आपने मुझे वोट नहीं दिया तो आपके काम नहीं होंगे, खासकर मुसलमानों को कहते हैं, साक्षी महाराज तमाम तरह के कहते हैं कि अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं आपको श्राप दे दूंगा, मोदी जी कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता, योगी आदित्यनाथ सहारनपुर जाते हैं तो कहते हैं इमरान मसूद टेररिस्ट, इमरान मसूद के दामाद हैं, इस तरह के तमाम स्पीचेस लगातार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हुए आ रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? BJP की जो पॉलिटिक्स है उसका हिस्सा है ये, और हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसको इन बातों का नोटिस लेना चाहिए था, अभी तक नहीं लिया है। अब साक्षी महाराज तो मशहूर हैं इस बात के लिए, आदित्यनाथ मशहूर हैं इस बात के लिए, उनके ख़िलाफ़ तो बहुत पहले उन पर रोक लगनी चाहिए थी, उनके स्पीचेस पर आज तक नहीं लगी है। अब मेनका गांधी की तरफ से इलेक्शन ये स्टेटमेंट आया है, बहुत ही बेहुदा सा स्टेटमेंट मैं कहूँगा। आप इलेक्शन में कौन वोट दे रहा है आपको, कौन वोट नहीं दे रहा है, जो जीता हुआ लीडर है वो सबका रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो ये कहे कि हम तुमको तुम्हारा काम करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए कि तुमने वोट दिया था हमको कि नहीं दिया था, हम ये देख के दिल में अगर हो तो ठीक है, कम से कम इतनी तहजीब तो होनी चाहिए कि इस तरह से बोले नहीं वो, तो ये तो सीधे सीधे धमकी दी जा रही है मुसलमानों को। इस पर तो इलेक्शन कमीशन को फौरन नोटिस लेना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। मेनका गांधी ऐसा बोल रही, साक्षी महाराज का जुमला बोल रही, की जबान बोल रही हैं वो, योगी आदित्यनाथ का जबान की जबान बोल रही हैं वो। आपने मोदी जी की बात की, हमारे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, इतनी बड़ी पोस्ट होती है, अब इसके बाद अगर वही इसी हरकत करेंगे, वो जो हेट स्पीचेस देने में माहिर हैं वो मुस्तकिल हेट स्पीचेस दिए जा रहे हैं। समझौता एक्सप्रेस के की रूलिंग के बाद उन्होंने जिस तरह की बातें की हैं, किसी प्राइम मिनिस्टर से हम इसकी उम्मीद नहीं कर सकते, वो ऐसी बात कर रहे हैं और वो लगातार करते जा रहे हैं। इसके पहले वो शमशान और कब्रिस्तान किस्म की बात UP इलेक्शन में कर चुके हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ा, किसी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए, सबसे बढ़ के मुल्क की आवाम को नोटिस लेना चाहिए कि किस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया आपने। शाहिन सर, पहले सवाल से मैं अपने आखिरी सवाल को जोड़ूंगी कि मुस्लिम कयादत घट रही है, परसेंटेज घट रहा है, तो ऐसा हमारी कम्युनिटी को ऐसा क्या सोचने की या करने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट पार्टिसिपेशन तो बढ़े? देखिए, मुसलमानों की तरफ से तो पूरी कोशिश हो रही है, ये मसला मुसलमानों का नहीं है, यानी मुसलमान इसके शिकार हैं, इसके विक्टिम हैं जो पॉलिटिक्स हो रही है, मुसलमान इसमें कुछ नहीं कर सकते।
ये काम मुल्क के सोचने का है कि मुल्क की 14% आबादी अगर मेन स्ट्रीम में नहीं होगी तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। हम वर्ल्ड पावर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, ये ख्वाब कभी पूरा हो ही नहीं सकता है अगर मुल्क की 14% आबादी पीछे रह गई। जिस वजह से रह गई, अपनी गलती से रह गई, अपनी कमियों की वजह से रह गई, या हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से रह गई, जिस वजह से भी रह रही है पीछे, और उसका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट और असेंबली में, जॉब्स में, एजुकेशन में, यहाँ तक कि आर्मी में, किसी भी जगह जहाँ कहीं भी उसका रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है, इसकी ज़िम्मेदारी सीधे सीधे गवर्नमेंट पर आती है। पूरे मुल्क के लोग इसके ज़िम्मेदार हैं और ये उनके सोचने का है, मुस्लिम लोग मुसलमानों के सोचने का नहीं है। मुसलमान अपने तौर पर तो सोच रहा है, काम चाहता है, ये मेन स्ट्रीम आना चाहता है, उनको तो हर तरह से डिमोरलाइज किया जा रहा है। पूरा 5 साल जो गुजरा आप देखिएगा कि मुसलमान कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा गया जिसमें मुसलमानों को डिमोरलाइज ना किया जाए, उनको नीचा ना दिखाया जाए। तो ये जब ऐसा होगा तो जाहिर है इसके बाद आप किसी तरक्की की उम्मीद क्या कर सकते हैं। आपकी हिम्मत और आपकी तमाम चीज़ों को रोका जा रहा है ताकि आप पार्टिसिपेशन ना कर पाएँ।